शगुफा में जो अस्पतालों की हालत थी, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है, एक जदीद अस्पताल है। और इस अस्पताल में दाखिल होने के बाद आपको ये महसूस नहीं होता कि आप किसी सरकारी अस्पताल में। आप ये सारा एनवायरनमेंट देखें, ये काउंटर्स देखें, आप कलरफुल किस्म का माहौल आपको नजर आएगा। इंडोर प्लांट्स यहाँ पे पड़े हुए नजर आएंगे। यहाँ पे 8 से 9 ऑपरेशन थिएटर्स हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल में आपको किसी भी जगह पर गंदगी, गलाजत, बदबू कहीं दिखाई नहीं देगी, कहीं कूड़ा आपको दिखाई नहीं देगा, कहीं आपको इस्तेमाल शुदा अद्वियात सिरिंजेस वो दिखाई नहीं देंगी। कहीं पर भी मरीज जो है वो नीचे फर्श पे लेटा हुआ नजर नहीं आएगा। यहाँ पे जो सफाई का निज़ाम है उसको अगर कहा जाए कि वो अप टू द मार्क है, तो इसमें कोई शक नहीं है। और बिलाशुबा अगर हम कहें कि सेहत के लिहाज से कुछ तब्दीली नज़र आ रही है, तो वो वाकई तब्दीली हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। पूरे अस्पताल में आपको कहीं पर भी धक्कम पेल नज़र नहीं आएगी। मरीज़ यहाँ पे आपको शिकायत करते हुए उस तरह से नज़र नहीं आएंगे। और इस अस्पताल को जिस तरह से खुद कार निज़ाम के तहत चलाया जा रहा है, अद्वियात के हवाले से, डायग्नोस्टिक सेंटर के हवाले से सहूलियात हैं, जो ब्लड बैंक के हवाले से सहूलियात हैं, वो यहाँ पे आपको इंतहाई उमदा मैसर आएंगी। आप कहीं पे आपको दीवारें काली नज़र नहीं आएंगी, आपको कहीं पे खून के धब्बे, मैं पूरे पाकिस्तान में अस्पतालों में गया हूँ सरकारी, आपको जगह जगह पे मरीजों के खून के धब्बे नज़र आएंगे, आपको गंदगी और गलाजत नज़र आएगी, वो आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। सिटिंग लाउंज जगह जगह पे बने हुए हैं, बड़े बाइज्जत तरीके से यहाँ पे मरीज़ आएंगे, मरीजों के अटेंडेंट्स आएंगे, वो यहाँ पे बैठेंगे। ये पूरा जो एनवायरनमेंट आपको नज़र आ रहा है, ये सरकारी अस्पतालों में नहीं हुआ करता था। और ये जो एक लाउंज है बैठने के लिए यहाँ पे, ये आपको अस्पताल के में मुख्तलिफ कोनों में जगह जगह पे नज़र आएगा। MRI मशीन है, CT स्कैन है, बाकी एक्सरे मशीनें हैं, वो काम कर रही हैं। ये टॉयलेट है और आप देख सकते हैं कि टॉयलेट में इस वक्त भी सफाई जारी है। ये सरकारी अस्पतालों में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप किसी सरकारी अस्पताल के बैतुल खला में जाएँ और वहाँ आप उसको इस्तेमाल करें। हेल्प डेस्क बने हुए हैं जगह जगह पर, एक कुशादा माहौल है, रोशन माहौल है, साफ माहौल है। सो ये वाकई एक बदला हुआ अस्पताल है, ये वाकई एक तब्दील शुदा सेहत का निज़ाम है किसी हद तक। ये वाटर कूलर जो है जी, आपको अस्पताल में जगह जगह पे नस्ब नज़र आएंगे। कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, अस्पताल तब्दील हुआ हुआ है या अस्पताल आप मुतमिन नहीं है इससे? नहीं नहीं, बहुत मुतमिन है, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है इधर, पानी के हिसाब से, अमले के हिसाब से, हर हिसाब से, कोई शिकायत कुछ भी नहीं, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है इधर। इन्होंने बेहतर काम किया है या ANP ने बेहतर काम किया था? ये अभी गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। ANP वाले दौर में तो कुछ भी नहीं था अस्पतालों के बारे में, हर सिस्टम के बारे में इन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है, बहुत जबरदस्त, हर चीज, बहुत, कोई शिकायत आपको यहाँ कुछ भी नहीं? हम ये डांटते तो नहीं है, बट कुछ भी नहीं, बहुत जबरदस्त हमारा रवैया, बहुत बेहतरीन हर हिसाब। कितना तब्दील है निज़ाम ये? जी निज़ाम तो बहुत अच्छा है पहले की नस्बत से। अभी जब हॉस्पिटल शुरू हुआ है तो काम अभी बहुत अच्छा हो रहा है, तो पहले से भी बेहतर है। लोग अभी इधर जो मरीज आ रहा है बहुत खुश है। अभी जो हुकूमत दावा करती है कि जी हमने तब्दील कर दिया खैबर पख्तूनख्वा, बिल्कुल जी निज़ाम तब्दील, ये सच है ये झूठ है? बिल्कुल जी बिल्कुल सच, इसमें मुबालगा तो नहीं है? नहीं बिल्कुल जी सच, बात बढ़ा चढ़ा के तो बयान नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल सच है, डॉक्टर के हिसाब से इधर जो फैसिलिटीज है मरीज को बिल्कुल सही है। कहाँ से हैं आप? अकोड़ा खटक से। कैसा लग रहा है अस्पताल का माहौल आपको? अस्पताल का माहौल तो बहुत ज़बरदस्त है। पहले तो जो इमरान खान ने चेंज की बात की थी, जो निज़ाम के ये हॉस्पिटल जिस तरह हम देख रहे हैं, जस्ट लाइक आप कहेंगे कि हम दुबई में खड़े हैं, सफाई के लिहाज से, डॉक्टर्स के लिहाज से, OPD के लिहाज से। कहाँ से आए आप? जी मैं पार नौशहरा का हूँ। किसके साथ आए हैं? ये बच्चे को ले गए। क्या हुआ बच्चे को? यार अभी इसको टेम्परेचर है थोड़ा, ख्याल रखते हैं मरीज का? बिल्कुल जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। कोई शिकायत आपको? नहीं जी कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर्स? हम डॉक्टर से भी बहुत मायने, जो अस्पताल का मामला है ना बहुत ज़्यादा। ये तो नहीं कहते कि बाहर से खरीद के लाए? नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी दफ़ा है मैं आया हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस हॉस्पिटल से। खासकर ये जो अमला है बहुत ज़्यादा पेशेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से। कोई शिकायत आपको, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहें कि ये होनी चाहिए ये नहीं हुई? नहीं नहीं अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह का पहले कोई अस्पताल था नौशहरा में? नहीं नहीं, ये फर्स्ट टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी के जो हुकूमत है उसका बहुत खुशगुजार हूँ। अस्पताल तब्दील लग रहा है या वैसे ही है जैसे पुराने अस्पताल हुआ करते हैं? उससे तब्दील बहुत हुई है। कितनी तब्दीली आई है खैबर पख्तूनख्वा में? पुलिस भी ठीक हो गए हैं और अस्पतालें भी ठीक हुई है, बहुत तब्दीली आई हुई है। ANP के दौर में इलाज मुआलजा अस्पताल सेहत ज़्यादा बेहतर थी या इनके दौर में? इनके दौर में जी बिल्कुल। कितने नंबर देंगे आप 100 में से परवेज खटक साहब? 100 के 100 देंगे। 100 में से 100? नहीं यार, इतना भी काम नहीं किया होगा। इंशाल्लाह 100 के 100 देंगे। चूँकि अभी 4 साल हुए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यहाँ पे, हमारे जो मुल्की मसाइल हैं खासतौर पर जो मौशी मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनको देखा जाए तो 4 सालों में 5 सालों में हत्ता के 10 सालों में भी हम शायद किसी भी सूबे को पेरिस नहीं बना सकते, यूरोप की तरह नहीं बना सकते, लेकिन जो कर सकते हैं हमारे हुक्मरान वो ये है कि वो सफ़र शुरू करें, एक ऐसा सफ़र जो हमें नज़र आ रहा हो कि वो कभी ना कभी तो हमें किसी मंजिल तक पहुंचा देगा। सो इस अस्पताल को देखते हुए और इसी तरह से हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, इसी तरह से और जो जगह हैं उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि जो सफ़र है बेहतरी का या तब्दीली का वो शुरू ज़रूर हो चुका हुआ यहाँ से।
उसमें अभी भी बहुत सारी कमी कोताही है, उसमें अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जो ये माहौल हम देख रहे हैं, इस तरह का माहौल पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों में आपको शायद ही ढूंढने से भी मिले तो बहुत मुश्किल था।